दिस इज द वीडियो फॉर क्लास 7 साइंस चैप्टर 3. सो लेट्स कंटिन्यू. द हेवी स्किन ऑफ शीप हैज टू टाइप्स ऑफ फाइबर दैट फॉर्म्स इट्स फ्लीस और वूल कोट. जो हेयरी शीप होती है उसके टू टाइप्स होते हैं फाइबर्स, जो उसका फ्लीस बनाते हैं या फिर उसका वूल का कोट बनाते हैं. द कोर्स ब्रेड हेयर एंड द फाइन सॉफ्ट अंडर हेयर क्लोज टू द स्किन द फाइन हेयर प्रोवाइड द फाइबर्स फॉर मेकिंग वूल. सम ब्रीड्स ऑफ शीप पजेस ओनली वन फाइन अंडर हेयर. Their parent sheep are specially chosen so as to give birth to sheep which has only soft under hair. The process of selecting parents sheep for obtaining special characteristics in their offspring such as of under hair is called selective breeding. Selective breeding ये होती है कि हम सिर्फ वो दो parents choose कर रहे हैं, एक माँ और एक पिता, कि अगर उनका बच्चा होगा तो सिर्फ वो ऐसे ही बाल देगा जैसे हमें चाहिए. द नेचुरल कलर ऑफ वूल इज जनरली क्रीमी वाइट. थ्रू सम ब्रीड्स ऑफ शीप प्रोड्यूसेस वूल हैविंग ब्राउन एंड ब्लैक कलर. सो वूल इज आल्सो ऑब्टेन्ड फ्रॉम गोट हेयर. गोट हेयर से भी हमें वूल मिलता है. द अंडरफर ऑफ कश्मीरी गोट इज सॉफ्ट. जो अंडरफर होता है कश्मीरी गोट का सॉफ्ट होता है. इट इज वुमन इन टू फाइन शॉल्स. शॉल बनाने में जिसे हम पश्मीना शॉल्स कहते हैं बनाने में हेल्प यूज होता है. अंगोरा वूल्स इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम अंगोरा गोट. जो अंगोरा वूल होता है वो अंगोरा गोट से मिलता है. विच आर फाउंड इन हिली रीजन्स. जो हिली रीजन्स में मिलते हैं सच एज जम्मू कश्मीर. याक्स हैव थिक एंड लॉन्ग हेयर ऑन देयर बॉडी विच यील्ड्स वूल. याक वूल इज कॉमनली इन द हिली एरियाज ऑफ तिब्बत एंड लद्दाख. द हेयर ऑफ और ऑफ द बॉडी ऑफ कैमल्स आर ऑल्सो यूज एज वूल. द एनिमल कॉल्ड लामा और अल्पाका विच आर फाउंड इन साउथ अमेरिका हैव हेयर ऑन देयर बॉडी विच आर प्रोसेस्ड टू यील्ड वूल. प्लीज नो डेट थॉट द हेयर ऑफ द बॉडी ऑफ एनिमल सच एज शीप गोट एंड याक constituent wool, but in everyday language wool means the processed wool which is the wool yarn used for knitting sweaters or making shawls. Obtaining wool from sheep. The process of obtaining hair or turning it into wool fibers and fabric involves the following step. अब हम वूल कैसे लेते हैं शीप से, उसके स्टेप्स हैं. द प्रोसेस ऑफ शेविंग अ शीप्स बॉडी टू ऑब्टेन फ्ली. जब हम शीप की बॉडी से वूल हटाते हैं तो उसे फ्ली कहते हैं और हटाने की प्रोसेस को शियरिंग कहते हैं. द बॉडी ऑफ शीप इज शेव्ड ओनली वंस अ ईयर एंड मोस्टली इन स्प्रिंग और अर्ली समर्स. जो बॉडी होती है शीप की उसे स्प्रिंग या फिर अर्ली समर्स में हम उसे शेव कर देते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा गर्मी ना लगे और हमारा काम भी हो जाए, वरना अगर सर्दियों में करेंगे तो शीप्स मर भी सकती हैं. द शियर. अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग और स्कोरिंग. सो शियर्ड हेयर्स आर थ्रू थॉरली वॉश इन द सीरीज ऑफ हैविंग सोपी वाटर. दिस रिमूव्स ग्रीस डस्ट डर्ट. द प्रोसेस ऑफ वॉशिंग हेयर्स इज कॉल्ड स्कोरिंग. Nobody nowadays scouring is done by machine. The wool is then passed through a series of rollers and dryers. The dried hair are sent to the sorting department where hairs different textures are sorted out. The small flurry fibers are called burrs. Jo small flurry fibers hame milte hain wo hote hain burrs. These are picked out from their hairs. इन्हें sort मतलब हटा देते हैं. The clean selected wool fibers are passed through rollers. अब उन्हें rollers में डालते हैं. फिर this straightens the fiber and remove the unwanted matter. वो fiber को सीधा कर देता है और बेकार का सामान निकाल देता है उसमें से. The fibers are skirted again and then dried. अब एक बार skirt ऊपर हो गया था, अब एक और बार skirt हुआ और फिर इन्हें हमने सुखा दिया.
The fibers are dyed in various colors because of the natural fleece of sheep and goat is brown, black and white. Spinning and weaving. So spinning and weaving क्या होता है? The wool fibers are straightened, सीधे हो गए, कंघी भी हो गई उनमें और yarn में उन्हें हमने लपेट भी दिया. So longer fiber give wool yarns for sweaters. जो बड़े बड़े yarns होते हैं उनसे हमें wool मिलता है sweaters बनाने के लिए. और जो shorter fibers are spun and woven into woolen cloth. The market value of wool is primarily dependent on fineness and length of its fiber. The following system are followed in the wool process. Woolen system. Woolen fiber are mixed with lengths, are carded and spun to form woolen yarn. Worsted system. Woolen fiber are combed, thus separating the long and short fiber. The long fiber are then formed into smooth cotton strands, which are spun to form woolen yarns. Occupational hazard क्या होता है wooling industry में? ये होता है people working in sorting department at the risks are at risk because they may get infected by anthrax bacteria. जो वूल होता है उसमें एक बैक्टीरिया होता है एंथ्रेक्स बैक्टीरिया. सो जो सॉर्टिंग डिपार्टमेंट वाले सामान अलग करते हैं ना वूल में से गंदगी, उन्हें ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया हो सकता है. और ये एंथ्रेक्स बैक्टीरिया होता है ना, ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक ब्लड डिजीज होती है. और ये सॉर्टर्स वाले डिपार्टमेंट को होती है जो सॉर्ट करते हैं, इसलिए इसे सॉर्टर्स डिजीज भी कहते हैं. वूल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड. ओके, Australia is at the top in the wool production. It contributes about 29% of the total wool produced in the world. Other major wool producing countries are Russia, New Zealand, China, Argentina. जो ऑस्ट्रेलिया है वो पूरी दुनिया का 29% वूल प्रोड्यूस करता है अपनी तरफ से. और ये आपके रशिया, न्यूजीलैंड, चाइना, अर्जेंटीना भी वूल प्रोड्यूस करते हैं. In India, sheep are reared in lower Himalaya region, which includes Jammu and Kashmir, Himachal, Uttar Pradesh, Uttarakhand, Haryana, Punjab, parts of Rajasthan and Gujarat. India में भी बहुत जगह ये rearing होती है, पर सिर्फ इन्हीं states में होती है. So अब silk के बारे में पढ़ते हैं. Silk is strong but light and soft cloth having शिमरी अपीरेंस. सिल्क होता है स्ट्रांग होता है सिल्क बहुत ज़्यादा, बट सॉफ्ट स्ट्रांग होता है, लाइट होता है मतलब भारी नहीं होता और सॉफ्ट रहता है आपको. और शिमरी मतलब थोड़ी चमकीली सी अपीरेंस रहती है. सिल्क फाइबर को एनिमल फाइबर कहते हैं क्योंकि ये ककून से लेते हैं हम लोग. सिल्क वॉर्म ककून जब बनाता है तो उसे उबाल कर हम उसके ककून से सिल्क निकाल लेते हैं. और जो सिल्क आपके जो सिल्क वॉर्म्स हैं उन्हें रियर करेंगे. द रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म्स फॉर ऑब्टेनिंग सिल्क इज कॉल्ड सेरिकल्चर. इस प्रोसेस को हम सेरिकल्चर कहते हैं. एग क्लस्टर. लाइफ साइकिल ऑफ सिल्क वॉर्म फॉर फोर डिस्टिंक्ट स्टेजेस. एग क्लस्टर. द फीमेल सिल्क मॉथ लेस 300 to 400 eggs in the cluster of mulberry leaves. जो mulberry leaves होती हैं इसके ऊपर female silk moth कम से कम 300 से 400 अंडे देती है. और ये अंडे फिर long term के लिए store कर लेते हैं cold जगह पर हम लोग, ठीक है. The eggs warm to suitable temperature for the larvae to hatch from the egg on mulberry leaves. दूसरे में silk worm. The larva called the silkworm or caterpillar is a voracious feeding day and night on mulberry leaves. When they are about to hatch, days old, they are 10,000 times heavier when they were hatched. The सिल्कवॉर्म शेड्स इट्स मोल्ड मतलब स्किन वो चार बार अपनी हटा देता है. व्हेन द वॉर्म स्टॉप ईटिंग इट अटैचेस इटसेल्फ टू अ पीस ऑफ स्ट्रॉ और ब्रांच
place in cultivation traits. They are now ready to spin a silk cocoon. जो सिल्क वॉर्म होता है, जब वो अपना खाना वाना सब कुछ कर चुका होता है, उसके बाद वो कल्टीवेशन ट्रेज जो होती हैं वहाँ पे एक स्टिक टाइप होती है, वो स्टिक से अटैच हो जाते हैं, खुद ही चिपक जाते हैं और स्पिन करने के लिए तैयार होते हैं सिल्क को अपने अराउंड, ताकि ककून बना के वो बटरफ्लाई या फिर कुछ और इंसेक्ट बन सकें. इट्स फर्स्ट वीव इज अ नेट टू होल्ड इट्सेल्फ एंड देन स्विंग्स इट्स हेड साइड टू साइड इन द फॉर्म ऑफ फिगर 8. अब वो कैसे बनाते हैं, पहले तो वो एक नेट निकालेंगे, एक थ्रेड निकालते, फिर वो 8 की शेप में अपने आप को बनाते रहते हैं तो वो पूरा हो जाता है. इट कंसिस्ट ऑफ फाइब्रॉन्स प्रोटीन सेक्रेटेड फ्रॉम 2 ओपनिंग इन सलाइवरी ग्लैंड्स इन द हेड ऑफ दीज लार्वा एंड अ गम कॉल्ड सेरसीन सीमेंटिंग द 2 फिलामेंट्स टुगेदर. सिल्क सॉलिडिफाइड्स व्हेन इट कम्स इन द कॉन्टेक्ट विद एयर. Once the cocoon is completed, the silkworm goes into the resting phase for 2 to 3 weeks. बाकी आगे का नेक्स्ट वीडियो में.